आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती। उद्यान की फसलों में संरक्षित खेती का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज होने के कारण दिन पे दिन वातावरण में तापमान बढ़ रहा है, बारिश अचानक आ जाती है, तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो उसके चलते हम संरक्षित खेती को अपनाना एक सुगम पूर्वक मानेंगे। संरक्षित खेती एक हमारे जीवन में, हमारी खेती में एक अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी के दिनों में हरे पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें हम सिर्फ ग्रीन कलर का, हरे रंग का सेट नेट हाउस, छायादार जाली का इस्तेमाल करके हम गर्मी के दिनों में पालक और धनिया का उत्पादन ले सकते हैं। हमारे किसान भाई अगर एक एकड़ में छायादार नेट हाउस में हरे पत्तेदार सब्जी जैसे धनिया और पालक का उत्पादन लेते हैं तो वो 2 महीने के अंदर 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी अपने एक एकड़ ग्रीन हाउस सेट नेट से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई सब्जी और फूलों का उत्पादन करते हैं उसमें उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी पौध उत्पादन एक बड़ी समस्या रहती है। उसकी उच्च गुणवत्ता पौध उत्पादन के लिए हमारे संरक्षित खेती में एक संरचना इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, कीट अवरोधी नेट हाउस है, जिसमें हम उत्तम गुणवत्ता की पौध उत्पादन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तापमान बढ़ने के कारण हम सब्जियों को लेना एक असंभव बात बन जाती है, तो उसमें हमारे ग्रीन हाउस का एक रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर को उसके अनुसार, फसल के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं और फसल के अनुसार हम घटा सकते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि ग्रीन हाउस में पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, उसकी जो आउटर कर्टेन है, जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो आउटर कर्टेन को हम ऊपर कर देते हैं ग्रीन हाउस के, और जैसे ही तापमान हमारा कम होता है उसकी आउटर कर्टेन को नीचे कर देते हैं। तो पॉली हाउस में हम पूरे साल सब्जी और फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। छायादार नेट हाउस में पूरी गर्मी में हम हरे पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं, और लो टनल में हम अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में किसान फरवरी के महीने, मार्च के महीने से कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन लेना शुरू करता है, लेकिन लो टनल तकनीक से हम जनवरी और फरवरी के महीने से कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रोट्रे तकनीक है, प्रोट्रे तकनीक के माध्यम से हम 20 दिन में सब्जियों की और फूलों की पौध उत्पादन कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम बीज का बहुत बचत कर सकते हैं। जहां बीज हमारा 500 ग्राम लगता है, वहाँ मात्र हम 100 से 120 ग्राम बीज में ही अपने बीज और फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि ये क्लाइमेट चेंज में हमारे जो संरक्षित खेती एक पार्ट है, उसे किसान भाई अपना के अधिक से अधिक मुनाफा ले सकता है, अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं। धन्यवाद।